गंगा सतीना भजन भजन छे 45। वस्तु विचारीने दीजिए जो जो तमने सदपात्र रे, वर्ष सुंदी अधिकारी पणू जो ने फेर न रहे अणु मात्र रे। वस्तु विचारीने तमे देजो भाई रे, गुरु ने क्रोध थयो एवं ज्यां लगी जाणो त्यां लगी शुद्ध अधिकारी कहवाय नहीं ने। गुरु जी ना वचनों मां आनंद पामे ने आवीने लागे ने पाए रे। भाई रे एवा शुद्ध अधिकारी जेने भाळो तेने करजो उपदेश रे। गंगा सती एम बोल्या एने लागे नहीं कठण वचन ने लेस रे। भावार्थ अध्यात्म मार्ग में जे लोग आगळ वध्या होय छे, जेने गुरु कृपा थी ज्ञान थई गयुं छे, एवुं जे ज्ञान बीजाने आपवा माटे ई समृद्ध छे, एवा ज्ञानी भक्तोने केवो व्यवहार करवो ते समजाव्युं छे। तो आगळना भजनमां केवा माणसोनो संग न करवो तेनाथी दूर रहेवुं तेनी चोखोट करी छे। अने हवेना भजनमां जे कंई आपणी पासे ज्ञान छे ते अन्यने आपवुं छे तो विचारीने आपवुं अने केवा पात्रने आपवुं ते बतावे छे। तो पंक्ति पहेली, वस्तु विचारीने दीजिए जो जो तमे सदपात्र रे, वर्ष सुधी अधिकारी पणू जोऊं ने फेर न रहे अणु मात्र रे। तो अध्यात्मनुं ज्ञान आपवा माटे अधिकारी पणू होवुं जोईए। तेनी बधा ज शास्त्रमां वात करे छे कि जे ए अधिकारी वगर आ वस्तु आपसे तो एनो दुरुपयोग थशे। माटे अधिकारी वगर आ वस्तु आपवी नहीं, जे सदपात्र होय तेने ज आपवी। आपता पहला एक वर्ष तेने पोतानी साथे राखीने तेनुं निरीक्षण करूं कि क्यांय तेनामां खामी तो नथी ने, पछी सदपात्र लागे तो ज आ वस्तु आपवी। हवे बीजी पंक्तिमां कहे छे, गुरुने क्रोध थयो एवं ज्यां सुधी एमने लागे त्यां लगी शुद्ध अधिकारी न कहेवाय। गुरुजीना वचनोमां आनंद पामेने આવીને લાગે તેને પાયરે। તો આ માર્ગે જે અધ્યાત્મનો જે માર્ગ છે એ ભક્તિનો માર્ગ છે, એટલે આમાં ભક્તિ અનિવાર્ય છે, આ માર્ગમાં ભક્તિ અનિવાર્ય છે, અને ભક્તિ એ સાચું સમર્પણ છે। તો આ માર્ગમાં ગુરુને ભગવાન સમાન ગણવામાં આવે છે, અને આ માર્ગ પણ एना पर चालू घणुं कठिन काम छे। सदशिष्य माटे गुरुने ज कठोर बनवू पड़े छे, त्यारे शिष्यमां परिपक्वता आवे छे। तो आ एक भक्तिनुं अंग छे। गुरुनी कठोरता ए सत्य साधन छे, सदशिष्य तेनो स्वीकार करे अने जे स्वीकार नथी करता अने एवुं जाणे के गुरु क्रोध करे छे तो समझी लेवुं के ए अधिकारी नथी। जे अधिकारी हसे तेने गुरुनो कोई पण व्यवहार आनंदमय लागशे। हरता फरता उठता बेसता कोई पण काम माटे बहार आवता आ जगत गुरुजी ने अने ई पाय लागशे, बराबर। तो जगत गुरुजी ने पाय लाग्या वगर पगलू नहीं भरे। फरता फरता उठता बेसता जे पण काम करशे बहार आवता जता तो गुरुजी ने पाय लाग्या वगर एक पण पगलू नहीं भरे, अने गुरुना आशीर्वाद लईने बधो ज व्यवहार आनंदथी करशे। आवी रीते जेनुं वर्तन कायम रहे तेने ज उपदेश आपी शकाय। पंक्ति त्रीजी, तो भाई रे एवा शुद्ध अधिकारी जेने भाळो ने तेने करजो उपदेश रे। गंगा सती एम बोल्या ने एने लागे नहीं कठण वचन नो लेस रे।
ગંગા સતી જે કાંઈ અધિકારીના લક્ષણો બતાવ્યા એવા જો કોઈ અધિકારી લાગે તો તેને જ્ઞાન આપવું, બોધ આપવું, ઉપદેશ આપવો. જે પૂરા અધિકારી હશે તેને ગમે તેવા ગુરુજીના કઠોર વચનો કહેશે, પણ તેને જરા પણ મનમાં લાગશે નહીં. ગુરુના કઠોર વચનોમાં પણ સાર દેખાશે, તેને આનંદ આપશે. આવા લક્ષણો જેનામાં તમને દેખાય તેને ઉપદેશ કરવો, અને એવા અધિકારી સદશિષ્ય ઉપદેશને ગ્રહણ કરે છે. તો વસ્તુ વિચારીને આપજો, આવું ગંગા સતીનું કહેવું છે. હરિઓમ. ભજન 45 નું સમાપ્ત.